सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, इस टाइप की बैकग्राउंड बनाना सब कोई को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई इस टाइप की बैकग्राउंड बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आप सबको बता दिया हूँ किस तरह इस टाइप की बैकग्राउंड बनाना है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप इस टाइप की बैकग्राउंड एंड इस टाइप की PNG डालते हैं तो आपका फ़ोटो ट्रेंडिंग में जाने का चांस रहता है। क्योंकि पता है मेरे भाई, क्योंकि जब भी मैं इस टाइप की फ़ोटो बनाता हूँ, मेरा पोस्ट हमेशा ट्रेंडिंग में ही जाता है। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ओरिजिनल फ़ोटो रहा। इसको लेने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है स्नैपशीट एप्लीकेशन में। स्नैपशीट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ पर आएगा आपका एक टून इमेज का ऑप्शन। टून इमेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा मेरे भाई। टून इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एम्बेनियस थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। एम्बेनियस बढ़ा देने के बाद यहाँ से डन कर देना होगा। उसके बाद टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने के बाद मेरे भाई, इसको छोटा कर लेना है पहले। तो दोनों फिंगर से आप छोटा कर लीजिएगा और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा एंड यहाँ से डन कर दीजिएगा। फिर इतना काम हो जाने के बाद फिर सेम टू सेम यही काम करना है, अपने हाथ के ऊपर भी सेम वही काम, ब्राइटनेस को बढ़ाना है एंड डन कर देना है। और जहाँ जहाँ आपको ऐसे लग रहा है मेरे भाई ब्लैक है, तो सेम टू सेम वही काम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। डन मेरे को अभी परफेक्ट दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, मेरे भाई वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप सबको इसी में पता चलेगा कि उस टाइप की बैकग्राउंड को कैसे बनाना है, और बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे भाई। तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। सबसे पहले यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ डिटेल का ऑप्शन होगा। डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसका शार्पनेस को इतना पे बढ़ा देंगे, देख लीजिए आपको 22% बढ़ा देना होगा। उसके बाद यहाँ से डन कर देना होगा। डन इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई, अब आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, पहले और अब में बहुत ही ज़्यादा फर्क आ चुका है। तो अब क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर देना होगा। कहाँ पे? तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए मेरे भाई, लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, हमारा फोटो इंपोर्ट हो रहा है। क्या है ना मेरे भाई कि अभी लाइटरूम में कुछ वर्क चल रहा है, इसके वजह से एक बार में फोटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो आप 2-3 बार ट्राई कर लीजिएगा और ऊपर के साइड देखिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे, कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ ऑल फोटो को ऊपर क्लिक करना होगा। ऑल फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक प्रीसेट डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं दे दूंगा मेरे भाई अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला प्रीसेट आपको डाउनलोड करना है मेरे भाई। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या क्या काम करना है मैं सब कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ कॉफ़ी सेटिंग करना होगा। कॉफ़ी सेटिंग के ऊपर क्लिक करके सही के निशान पर क्लिक करके बैक आ जाना है। और फाइनली कुछ नहीं करना है, अपने ओरिजिनल फ़ोटो को लेना है। ओरिजिनल फ़ोटो को लेने के बाद सेम टू सेम नीचे के साइड यहाँ पर पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर पेस्ट सेटिंग आपको कर देना है। तो जैसे कि देख लीजिए, हमारा जैसे ही पेस्ट होगा कुछ इस तरीके से फ़ोटो दिखने लगेगा, लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले कलर्स के ऊपर आएंगे और मिक्स के ऊपर आने के बाद इसका सेचुरेशन को कम करेंगे एंड लुमिनस को कम करेंगे इतना पे। उसके बाद फर्स्ट वाले कलर का सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। डन इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से इसको डन कर देंगे। उसके बाद अब आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। डन इतना काम कर देने के बाद मेरे भाई, अब क्या करना है, डायरेक्ट इस फोटो को यहाँ से शेयर करना होगा। आपको कहाँ पे? तो फोटो रूम एप्लीकेशन में। फोटो रूम एप्लीकेशन में थोड़ा सा काम है मेरे भाई, बस आप लोग देख लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा।
जैसे ही फोटो रूम एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड किए होंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको ऐसे कर लेना है और फिर से बैक आ जाना है। देख लीजिए यहाँ से थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट टाइम जब डाउनलोड करेंगे तो ये सब काम करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद एक बार और इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम फोटो रूम एप्लीकेशन में ओपन कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ नो थैंक्स करेंगे और कुछ ऐसा लोडिंग लेगा मेरा भाई। और लोडिंग लेने के बाद आप देखते रहिए कैसे ये ऑटोमेटिक कटआउट कर देगा। तो यहाँ जो तीसरे नंबर पे होगा इसके ऊपर क्लिक करना होगा आपको, एंड क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करके इस फोटो को क्या करना है, सेव टू गैलरी कर लेना है। उसके बाद बैक आना है और फिर यहाँ लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट स्नैपचैट एप्लीकेशन में ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद मेरे भाई देखिए क्या क्या काम करना है, मैं सब कुछ आप सबको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ हीलिंग का ऑप्शन होगा, हीलिंग के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले तो अपने फेस को हीलिंग कर लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ से देख लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी कर लेना है। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन करेंगे। डन हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम जो होता है मेरे भाई उस टाइप का बैकग्राउंड बनाने के लिए यहाँ टून इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देना है, एंड सेचुरेशन को इतना बढ़ा देना है थोड़ा सा, एंड एम्बेनियस को इतना बढ़ा देना है थोड़ा सा, फिर सेचुरेशन बढ़ा देना है, एंड हाईलाइट को कम करना है, एंड शेडो को कम करना है, एंड यहाँ से डन कर देना है। थोड़ा बहुत देख लीजिए मेरे फोटो में डार्कनेस आ गया है। उसके बाद फिर से टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर को पूरा 100% बढ़ा देना है। उसके बाद डन कर देना है। डन इतना काम हो जाने के बाद फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और अब की बार क्या करना है, यहाँ नीचे के साइड देखिए लेंस ब्लर का ऑप्शन होगा, लेंस ब्लर के ऊपर क्लिक करके क्या करना है, इसका पॉइंट को इधर कम कर देना है और ब्लर को आपको कितना पर रखना है तो 45-44 आप रख सकते हैं। विग्नेट को कम करना है एंड इस दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है, ट्रांजेक्शन एंड विग्नेट को कम करके यहाँ से डन कर देना है। डन इतना काम हो जाने के बाद यहाँ देखिए ऊपर के साइड इरेज का ऑप्शन होगा, इरेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके लेंस ब्लर के ऊपर क्लिक कीजिएगा और बीच वाले ब्रश के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर लेना है, जैसे कि देख लीजिए मैं कर लिया। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन इतना काम हो जाने के बाद फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ डिटेल का ऑप्शन होगा, डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसका स्ट्रक्चर को पूरा 100% बढ़ा देना है। उसके बाद फिर से क्या करना है, टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, टोटल कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट शेयर करना है आपको कहाँ पे, तो पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए हम कर लेते हैं। पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, जो अभी अपने फोटो रूम एप्लीकेशन से मॉडल को चूज किए थे उस मॉडल को ले लेना है, मतलब कटआउट किए थे उस मॉडल को लेने के बाद इसको क्या करना है, पूरा फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ जो फोटो रूम का एप्लीकेशन का लोगो होगा इसको आप इजीली हटा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई एक जो PNG दूंगा उस PNG को आपको ले लेना है, इस बाघ वाले PNG को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसको नीचे का साइड ऐसे करके रख देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। डन इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ कलर रिफ्लेक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, कलर्स वाले ऑप्शन में आकर और पीछे बैकग्राउंड पे जो भी आप कलर रखना चाहे वो कलर रख सकते हैं। तो मान लीजिए ये कलर हमको रखना है तो ये कलर रख लीजिए, रख लीजिए हम, देख लीजिए। तो मेरे भाई देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। और मेरे भाई ये ओनली बैकग्राउंड के ऊपर था मेरे भाई, इसमें फेस स्मूथ नहीं किया हूँ, फिर भी देखिए कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।